मिसेज जुशा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ फ्राइडे का दिन आपके साथ। सुबह मॉर्निंग का टाइम है, अभी लगभग 4:30-5:30 के आसपास बज रहे थे जब मैं उठी थी। और सबसे पहले मैंने बालकनी का गेट वगैरह खोला, बाहर का नज़ारा आप देख ही सकते हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लोग वॉक करने भी आ चुके हैं पार्क में। और मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। सबसे पहले डस्टिंग वगैरह करूँगी, घर पूरा क्लीन करूँगी। एंड आज वर्किंग डे है तो फिर काम पे भी जाना है, रितविन को भी रेडी करना है। सबसे पहले ना मैं उठ के सोफ़ा ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि सोफ़ा क्लीन हो जाता है ना तो फिर लगता है कि आधा काम हो गया। सोफ़ा और डाइनिंग टेबल की वजह से ही घर आपका जो है बिगड़ा हुआ भी दिख सकता है और अच्छा भी दिख सकता है। तो दोनों अगर साफ़ कर लो ना तो फिर क्लीन लगता है कमरा। तो सबसे पहले इन्हें ही करती हूँ मैं, सोफ़ा क्लीन करती हूँ फिर डाइनिंग टेबल क्लीन करती हूँ। रात में रितविन देर तक पढ़ता है, फिर हम भी ऐसे टीवी वगैरह देखते हैं, तो सोफ़ा जो है थोड़ा सा मैसी हो ही जाता है। एंड सुबह सुबह उठ के सबसे पहले क्लीन करने में ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सब सो रहे होते हैं और बिल्कुल शांति से कोई वजन वगैरह लगा लेती हूँ, कोई सॉन्ग वगैरह लगा लेती हूँ और आराम से अपना काम करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्लीनिंग करके नहा वहा लिया है और रितविन के रूम की लाइट मैंने ऑन कर दी है। थोड़ा सा उसे जगा दूंगी, क्योंकि डायरेक्ट उठाने से ना बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। सो आधे घंटा पहले मैं लाइट ऑन करके उसे जगा देती हूँ, थोड़ा सा नींद उसकी जो है वो तोड़ देती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पूजा के बर्तन वगैरह धुल लिए हैं और पूजा भी कर लिया है। उसके बाद फिर मैंने रितविन को उठाया। अब इसके बाद मेरा काम होता है रितविन को डायरेक्ट बाथरूम में लेके जाती हूँ, ब्रश करवाती हूँ, फिर नहा वहा के ही उसे निकालती हूँ और वो थोड़ी देर पूजा रूम में बैठता है। उसके बाद मैं यहाँ पे उसे डायरेक्ट रेडी कर देती हूँ। तो रितविन के लिए मैं बॉडी लोशन और क्रीम यूज़ करती हूँ, हिमालय का। ये बहुत ही अच्छा है, पहले मैं जॉनसन का यूज़ करती थी बट अब मैं हिमालय का यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही मॉइस्चराइजिंग लगता है मुझे इसका क्रीम। अब रितविन भी रेडी है तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ उपमा। अगर मुझे सब्जी रोटी कुछ बनाना रहता है, पराठे बनाने रहते हैं, तो मैं पहले ही बना लेती हूँ और इस तरीके कुछ नाश्ता हो जाए जो कि गरम गरम अच्छा लगता है तो मैं बाद में बनाती हूँ। और सूजी का नाश्ता मेरे घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, रितु भी बहुत अच्छे से खाता है। तो सूजी भून लिया है मैंने यहाँ पे, प्याज काट लिए हैं, अदरक काट लिया है। तो जब भी आप उपमा बनाओ ना तो अदरक और किशमिश डालना, ये दो इंग्रेडिएंट्स है ना, आपका उपमा थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट करेगा और बहुत ही अच्छा लगता है। सो यहाँ पे मैंने प्याज, मिर्ची और अदरक जो मैंने एकदम छोटे छोटे कट किए थे वो डाल दिए हैं। साथ में डाल दूंगी कड़ी पत्ता, क्योंकि कड़ी पत्ता से ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा चना दाल एंड जो भी रोस्टेड सूजी था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो सूजी आपको बहुत ही हल्का सा फ्राई करना है, हल्का सा रोस्ट करना है, इसे ब्लैक नहीं करना है, इसके वजह से फिर कलर ख़राब हो जाता है। सो मैंने ना यहाँ पे नमक डालना भूल गई थी मैं, तो अभी डाला मैंने। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसे मिला लूँगी। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा पानी में तो उसके बाद मैंने यहाँ पे किशमिश डाल दिया है और इसे ढककर पकने दूँगी। सो हमारा जो उपमा है वो रेडी हो जाएगा। आई एम रेडी ऑलमोस्ट। एंड मैंने ना ये वाली इयररिंग्स भी पहन ली है, मतलब पहले मैं एक छोटा सा पहनती थी, अभी मैंने फोर अ चेंज ये डाला है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब भी आप कुछ नया चीज ऐड करो, चाहे किसी कमरे में या अपने ऊपर, तो थोड़ा सा जो वाइब है वो चेंज हो जाता है। तो जैसे बहुत अगर आपको लगे कि सब कुछ नेगेटिव ही जा रहा है, तो आप थोड़े बहुत अपनी ज्वेलरी चेंज कर सकते हो या फिर कुछ भी आप हेयर कटिंग करा लो, कुछ नया ले आओ अपने ऊपर ना, तो ऐसा होता है कि यू नो थोड़ा सा माहौल जो है, वाइब जो है पॉजिटिव हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं ये सब करते रहती हूँ। सो चलिए अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है निकलने में, तो आपके साथ शेयर करती हूँ एक चीज जो कि मुझे प्रिंस ने दिया है, मेरे हस्बैंड ने दिया है वुमेन्स डे पे। सो आई गॉट दिस जूप बैग जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसके अंदर का जो बैग है वो कैसा दिखता है। ओके गाइस, सो दिस इज अ बैग, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड जूक और दिस इज अ टोट बैग। मतलब इस तरीके का बैग मेरे पास था नहीं, मेरे पास लैपटॉप बैग है, ऑफिस बैग है, स्लिंग बैग है एंड ट्रैवल बैग भी है, बट मेरे पास इस तरीके का टोट बैग में कुछ भी नहीं था। द प्रिंट गाइस, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, किसी भी ड्रेस के साथ बहुत ही अच्छा जाएगा। धूप के बैग मुझे काफी ज्यादा पसंद है, आप लोगों को पता ही है, वैसे ही मेरे पति देव को भी पसंद था तो उन्होंने मुझे एक और गिफ्ट दे दिया है धूप के बैग का, और मेरे पास टोट बैग नहीं था जैसे कि मैंने बताया। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी
और एक बात उन्होंने मेरे साथ शेयर की जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने उनसे पूछा बैग ही क्यों दिया, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक तो आपको बैग बहुत पसंद है, मुझे बैग बहुत पसंद है, एंड ये बैग जो है वुमेन्स को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? क्योंकि Zoom के बैग काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये मेड इन इंडिया ब्रांड है, वेगन है, किसी को हार्म पहुंचा के इन्होंने कुछ नहीं बनाया। इनके सारे ही प्रोडक्ट जो है हैंडक्राफ्टेड होते हैं, सो लाइक अस, हम भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वर्सेटाइल है, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं, फाइट करते हैं चाहे जो भी सिचुएशन हो, है ना। तो ये जो बैग है हमारी तरह ही है, एंड हम भी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया के सारे वुमेन्स इंडिया को रिप्रेजेंट करती है थ्रू देयर इमोशन, थ्रू देयर कल्चर, एंड यू नो उनकी खूबसूरती के साथ। सो ये जो है ये बैग भी उतना ही ज्यादा खूबसूरत है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स व्हाई दिस इज अ परफेक्ट गिफ्ट फॉर एनी वुमेन। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि क्या गिफ्ट करें, किसी का बर्थडे आ रहा है, अपनी मदर को गिफ्ट करना चाहते हैं, सिस्टर को गिफ्ट करना चाहते हैं, फ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, स्पाउस को, किसी को भी आप, वाइफ को, किसी को भी आप कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, उनका बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रहा है या फिर वुमेन्स डे पे, तो ये जो बैग है आप डेफिनेटली उन्हें दे सकते हो। ये बहुत ही एक अच्छा आइटम है देने के लिए, और ये जो मैंने आपके साथ बातें शेयर की वो भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, ताकि इस बैग के साथ उनका भी एक इमोशन जुड़ जाए। लेट मी शो यू वॉट आई कैरी इन दिस बैग। सो यहाँ पे आपको Zoom का जो नेम है ब्रांड का वो मिल जाएगा बैग के ऊपर। दिस इज अफ्रीकन साइड आर्ट शोल्डर टोट बैग, और ये देखिए जिप बाहर की तरफ भी दिया गया है, जो कि बहुत ईजी हो जाता है कुछ भी कैरी करने के लिए, मोबाइल वगैरह रखने के लिए। मेरा पूरा हाथ उसमें चला जा रहा है, पाम, तो आप समझ ही सकते हो कितना बड़ा होगा ये। Zoom के बैग ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस होते हैं, एंड ट्रस्ट मी वाइल आई एम सेइंग दिस, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत ही स्पेशियस बैग होते हैं इनके, और जिप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बैग की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बुक भी रखती हूँ जो भी मैं करेंटली पढ़ रही होती हूँ, उसके बाद मैंने अपना एक वॉलेट रखा है जो कि अगेन Zoom का ही है, और उसके बाद एक 1 लीटर का मैंने यहाँ पे कॉपर वाला बॉटल रखा है क्योंकि गर्मी के दिन आ गए हैं। साथ ही साथ मैं एक पेन का बॉक्स रखती हूँ, मेरे ID कार्ड रखती हूँ, देन रबर बैंड रखती हूँ, हैंड क्रीम रखती हूँ जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, लैक्मे का मैंने यहाँ पे एक सनस्क्रीन रखा है, एक लिप बाम रखा है, एक लिप एंड चिक टिंट रखा है, कीज़ रखती हूँ मैं इस वाले चेन में, जो भी छोटे सामान है मैं अंदर के चेन में रखती हूँ, एक थोड़ा सा स्नैक बॉक्स रखती हूँ, कोम रखती हूँ, और बिंदी मैं ज़रूर रखती हूँ क्योंकि ना अभी गर्मी के दिन बहुत पसीना होता है और बिंदी गिर जाती है बार बार, तो उसे भी मैंने बाहर रख लिया है। हेडफोन रख लिया मैंने बाहर के साइड पे, और यहाँ पे मैं अपना मोबाइल भी रखती हूँ, काफ़ी अच्छे से आ जाता है। देखिए इतना सामान रखने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें, आप आराम से अपना और भी फाइल वगैरह रख सकते हो, एंड दिस इज इन माय बैग। तो मुझे काफी अच्छा लगा, अगर आप भी किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली दे सकते हैं, ये हमारी तरह ही स्ट्रांग है, वर्सेटाइल है, ब्यूटिफुल है, एंड जैसे कि वुमेन, एवरी इंडिविजुअल वुमेन इज ब्यूटिफुल एंड ऑथेंटिक, दिस बैग इज ऑल्सो ऑथेंटिक, सो यू कैन डेफिनेटली गिफ्ट दिस। मैं आपसे गिफ्टिंग ऑप्शन शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है। सो इन केस अगर आप इसे किसी को देना चाहते हैं या खुद के लिए भी परचेज करना चाहते हैं, तो आप मेरा कूपन कोड YTNGSHA12 यूज कर सकते हैं जो कि स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टू गेट डिस्काउंट। ओके गाइस, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी है Zoom के वेबसाइट के बारे में, कूपन कोड वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो इन केस इफ यू वांट टू चेक आउट, प्लीज़ चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है, और कौन कौन उपमा या पोहा में नमकीन डाल के खाता है जरूर मुझे बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन पे, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लास्ट संडे भी मैंने उपमा बनाया था, उसके लास्ट संडे भी मैंने उपमा बनाया था, तो सूजी का ये उपमा इडली वगैरह ना मेरे घर पे बहुत ही ज़्यादा लोग चाव से खाते हैं सूजी का नाश्ता, रित्विन को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। ओके गाइस, सो मैं ना वापस घर आके सो गई थी, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे रेडी हुई हूँ मार्केट जाने के लिए, तो नॉर्मल ऐसे ही कुछ सामान लेना था घर का, तो उसी के लिए मैं जा रही हूँ बाहर। उससे पहले मैंने यहाँ पे नारियल पानी पी लिया है, तो अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट से, क्या लेके आई हूँ वो मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। और यहाँ पे आराम से हम खेल रहे हैं, वीकेंड का टाइम है तो लूडो वगैरह खेल रहे हैं, आजकल रित्विन भी हमारे साथ लूडो खेलता है, एंड मैं तो लूडो में हमेशा हार जाती हूँ, यहाँ पे रित्विन जीत गया था क्योंकि उसे था ना कि वो सबकी गोटी काटेगा बट उसकी कोई नहीं काटेगा, तो वो जीत गया है यहाँ पे।
और उसके बाद मैं और प्रिंस फिर अपने हमने अपना गेम कंटिन्यू किया और लाइक ऑलवेज मैं हारी गई थी, मतलब आज तक का रिकॉर्ड है मैं प्रिंस से कभी लूडो में जीत नहीं पाई हूँ। उनके सामने मेरा हमेशा लक खराबी हो जाता है, तो मतलब समझ ही सकते हो आप, मैंने कभी नहीं जीता उनके साथ लूडो में गेम, कोई भी गेम नहीं जीता है, चाहे मेरी सारी गोटी निकल जाए, चाहे उनकी सारी गोटी लास्ट में निकले तो भी मैं हार ही जाती हूँ। सो ये मेरा रिकॉर्ड है आज तक का, पता नहीं कब मैं जीतूंगी उनसे लूडो में। तो रितविन जीत गया, उसके बाद फिर प्रिंस जीत गए और मैं सबसे लास्ट हो गई। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम वीकेंड इंजॉय कर रहे थे। सो गाइज दैट इज फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। I will see you in my next video, guys. Till then, bye.